गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल. दिस इज आपका अपना ही चैनल है ये. बट चलिए शुरू कर रहे हैं हम आपका प्रैक्टिस सेशन. मैंने आपको कहा है कि जो बच्चे अभी जुड़े हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि 5 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है, इसको जरूर देखिए. आने वाले जिनके पेपर्स हैं उनके लिए फ्रूटफुल होगा, वो जानते हैं. बट कोशिश पूरी की है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपके बेनिफिट है. पर उन सेशंस को जरूर देखना. 3 से 5 का शो है वो, या 3 बजे लगता है. आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. अगर आपको मेरी एक्सपेक्टेशंस और आपको मेरा काम दिख रहा है तो रिकमेंड जरूर करना, ताकि बहुत जल्दी हम इन सेशंस को लाइव लेकर आ सकें. तो चलिए शुरू करते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी वॉज फाउंडेड बाय, ये हिमाचल जीके का है. जिस तरह से 5 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है, वैसे ही 5 डेज जो है मैंने आपके प्रैक्टिस सेशंस को कंक्लूड किया है, ताकि अभी संडे को भी किसी का पेपर है तो उन सेशंस में हिमाचल से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो फायदा हो जाएगा. तो जितना कर सकते हैं, फिर आने वाले टाइम पे अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं इतना जरूर बोलती हूँ कि जब हम लाइव सेशंस में आएंगे तो आपकी घंटे घंटे के मैराथन्स मैं लेने के लिए तैयार हूँ. पर उन मैराथन्स तक पहुँचने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए. तो चलिए शुरू करने जा रही हूँ मैं आपका एचपी जीके का. सिर्फ 5 डेज एचपी जीके का भी प्रैक्टिस सेशन चलेगा, तब तक जो है हम आगे का फिर कंटेंट कंटिन्यू करेंगे. चलिए, डलहौजी वॉज फाउंडेड बाय, डलहौजी जो है, जो हमारा हिल स्टेशन है. सबसे पहले डलहौजी है कहाँ है? दिस इज द हिल स्टेशन एंड इट इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट. पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकलता है कि डलहौजी कहाँ पे है. तो डलहौजी है आपका चंबा में, ठीक है. तो ये कहाँ पे है? 1850, 1870, 1875 या 1895? अगर 1895 की बात करें तो कहा जाता है कि 1890 में जो है शीतला ब्रिज चंबा का जो था टूट गया था, तो 1895 में उसमें सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था, ठीक है. तो ये नहीं है. 1875 में जो कर्नल रीड थे, ठीक है, कर्नल रीड ने जो है कहा जाता है 40 बेड्स का जो था श्याम सिंह हॉस्पिटल बनाया था. किसके टाइम पे? श्याम सिंह के टाइम पे. चंबा का जो राजा था श्याम सिंह, उसके टाइम पे जो श्याम सिंह हॉस्पिटल है वो कर्नल रीड ने बनाया. तो ये नहीं है. 1870, 1870 के टाइम पे जो राजा था वो था आपका गोपाल सिंह, ठीक है. कहा जाता है कि इसने जो है बहुत चीजों को सुंदर किया, मतलब इसका मेन काम था चंबा को सुंदर बनाया है. इसी से साथ 1870 में एक और चीज हुई थी कि 1870 में आपके ब्लीड क्या नाम है इसका, ब्लेयर रीड ने बहुत सारी सेटअप्स किए थे, जिसमें से इसने डाक बंगला भी बनाया था 1870 में, ठीक है. तो ये याद रखना, जंदरी घाट में. तो आंसर इज, तो ये कब बने, डलहौजी कब बना था? 1850 में बनाया था. लॉर्ड डलहौजी ने इसको बनाया, लॉर्ड डलहौजी ने. तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो गए हैं, आई होप कि क्लियर हो गया हो. सिरमौर ताल फोर्ट इज लोकेटेड एट, दीज आर द रीसेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन पेपर्स. आई रिक्वेस्ट एवरी वन, जो भी पेपर्स देख रहे हैं, जो भी सेशंस देख रहे हैं, प्लीज इस मेल पे अपने क्वेश्चन पेपर्स को भेजने की कोशिश कीजिए. पूजा गुप्ता 33012@gmail.com. जो भी सेशन देख रहा है, जिसके पास भी रीसेंट पेपर है वो दीजिए, ताकि मैं आपके पेपर्स को सॉल्व कर सकूं विदाउट एनी वाटर मार्क. आई रिक्वेस्ट एवरी वन, प्लीज़ जरूर, या फिर टेलीग्राम या फेसबुक पेज जो है उस पर आप मैसेज करके मेरे को बोल सकते हो, तब भी मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी. सिरमौर ताल कहाँ पे है? राजगढ़, रेणुका, पौंटा साहिब, टिडोंग. टिडोंग को तो कैंसिल कर दो, क्योंकि ये है किन्नौर की वैली, टिडोंग नदी पे बनी है, तो ये नहीं है आंसर. राजगढ़, राजगढ़ इज नोन फॉर वैली ऑफ पीच, पीच वैली भी कहा जाता है, अदरक भी इधर ही होता है सबसे ज्यादा, ठीक है. तो ये नहीं है. रेणुका, रेणुका इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश. रेणुका इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉइंस, एशियाटिक लॉइंस जो होते हैं ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. तो ये नहीं है. पौंटा साहिब, पौंटा साहिब में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे है,
तो सिरमौर ताल फोर्ट भी जो है वो सिरमौर के, ये साउथ वेस्ट पार्ट में पड़ता है पौंटा साहिब के, तो ये कहाँ पे आएगा आपका पौंटा साहिब। पौंटा साहिब में गुरुद्वारा भी है जो किसने बनाया है, गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया है। तो आंसर इज पौंटा साहिब, विच इज पॉपुलरली नोन एज वैली ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की घाटी किसे कहा जाता है। भरमौर इज फेमस फॉर 84 टेम्पल्स, 84 टेम्पल्स के लिए भरमौर को बनाने वाले थे मारू वर्मन, और भरमौर से चंबा तक के जितने भी मंदिर बने हैं और एक्सटेंशन की है वो है मेरू वर्मन। भरमौर का पुराना नाम क्या था, ब्रह्मपुर, जिसको बनाया था मारू वर्मन ने, तो ये नहीं है। कैपिटल ऑफ स्पीति इज काजा, ताबो मोनेस्ट्री जो है वो काजा में है, ठीक है। पांगी, पांगी जो है यहाँ पे, एक चीज याद कर लीजिए, चंबा में है। एडीसी जो होता है, रेजिडेंट कमिश्नर, यहाँ पे है। फुल यात्रा यहाँ पे होती है, तो ये नहीं है। आंसर इज रिब्बा। रिब्बा कहाँ पे पड़ता है, किन्नौर में पड़ता है। तो किन्नौर का जो रिब्बा गांव है दैट इज फेमस फॉर आपका वैली ऑफ ग्रेप्स। आपको एक चीज बता दूं, भाभा वैली भी अच्छी है आपकी, सांगला वैली जो है दैट इज द लार्जेस्ट वैली, उसको हम बसपा वैली भी बोलते हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए नालागढ़, नालागढ़ को बनाने वाले थे विक्रमचंद, ठीक है। नालागढ़ शहर, रामपुर से नालागढ़ इन्होंने किया, तो आपका सॉरी हंडोर से नालागढ़। तो अगर देखा जाए आपका नालागढ़ पेप्सू में आया 1966 में। अगर हम बात करें आपकी नालागढ़ की, तो नालागढ़ की एक चीज और याद रखें, यहाँ पे एक तारा देवी मंदिर है, ठीक है। तारा देवी मंदिर शिमला में भी है, बट नालागढ़ की मेन डाइटी जो है वो तारा देवी, तो तारा देवी मंदिर यहाँ पे है। नाहन में कौन सा मंदिर है, रेणुका मंदिर, रेणुका टेम्पल भी है, आप इसको ये याद कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये याद कर लीजिए नालागढ़। मंडी या मनाली, मनाली में आपका मनु टेम्पल और आपका डुंगरी फेस्टिवल या डुंगरी हिडिम्बा देवी का टेम्पल जो कि मनाली की मेन डाइटी है। एक और चीज़ याद रख लीजिए, प्रीणी, प्रीणी जो है जहाँ पे अर्जुन ने जो है तपस्या की थी टू गेट द इंद्रास्त्र, वो कौन सी जगह है प्रीणी, जो कि कहाँ है मनाली। आंसर इज मंडी। अर्धनारीश्वर मंदिर जो है ये मंडी में है, शिव जी का अर्धनारीश्वर मतलब आधा मैन आधा पार्वती का रूप आधा शिव का रूप, तो मंडी। और वैसे भी आपको पता है मंडी इज नोन फॉर छोटी काशी, कितने टेम्पल्स हैं, 81 टेम्पल्स हैं। और मंडी का जो है भूतनाथ टेम्पल, अजबर सेन, माधोराव की जलेब, सिद्धसेन ने भी बनाए। फिर उसके बाद आप इसको ये याद करें, पंचवक्त्र टेम्पल सिद्धसेन ने बनाया था, मंडी से बनाने वाला आज का मंडी जो है वो अजबर सेन ने बनाया था, और ये दो रियासतों को मिलाकर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थियोग डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय, थियोग डोमिनियन किसके द्वारा है, हीराचंद, हीराचंद ने गुलेर, हीराचंद वॉज द सॉरी बिलासपुर का राजा था जिसको बोला जाता है क्लासिकल ईरा या गोल्डन ईरा, जिसने स्वार घाट बनाया और लैंड रिवेन्यू सिस्टम बनाए। करमचंद इज द फाउंडर ऑफ जुब्बल रियासत। दीपचंद वॉज द फाउंडर ऑफ बिलासपुर, जिसका पहला नाम क्या था, कहलूर। जयचंद, जयचंद जिसको बोलते हैं, जयचंद जो था वो ठियोग का था, और ठियोग इज एकमात्र रियासत जो सबसे पहले भारत में विलय हुई थी, और उस टाइम पे कौन थे, सूरत राम, ठीक है। ये याद रखना, पहली रियासत जो हिमाचल में विलय हुई थी वो थी ठियोग, 1948 में हुई थी, और एक चीज 1947 या 48 में हो चुकी थी, ये 48 में, और ये क्या थी, सूरत राम इसके पहले अध्यक्ष थे उस टाइम पे। नेक्स्ट आता है ये देखिए, अभी हमने एक सेशन किया था, अभी रीसेंट आपका जो सेशन है अगर आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है, जो 5 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आपने देखा होगा भूरी सिंह से क्वेश्चन आया हुआ है। तो भूरी सिंह म्यूजियम है कहाँ पे, चंबा में है, ठीक है। ये कब बनाया गया था, 1904 में चार्ल्स रिवाज ने, ठीक है, इसको गद्दी पे बिठाया था। भूरी सिंह को गद्दी पे कब बिठाया गया, 1904 में, और किसने बिठाया, चार्ल्स रिवाज ने। 1906 में इनको KCIS की उपाधि यानी नाइटहुड की उपाधि मिली, तो ये नहीं है। 1908 में जो है भूरी सिंह म्यूजियम, और भूरी सिंह म्यूजियम को बनाने वाले कौन थे, फोगेल। तो ये भूरी सिंह म्यूजियम ने, भूरी सिंह ने जो है ब्रिटिशर्स का बहुत साथ दिया,
1910 में उसने बिजली घर, जो चंबा का बिजली घर है, वो इसने बनाया था, भूरी सिंह पावर प्लांट। तो वो कब बना? 1910 में। फिर लाइब्रेरीज बनाई, कई डेवलपमेंट्स की थी। तो भूरी सिंह, टेरिटोरियल काउंसिल वॉज एबॉलिश बाय द ईयर, प्रादेशिक विषद परिषद को वर्ष द्वारा समाप्त कर दिया गया 1956 में। देखिए, अगर हम बात करें 1956 में, आपका जो है पार्ट सी को खत्म कर दिया गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, और इसको बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। ये कब बना था पार्ट सी? 1951 में, तो यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद जब यूनियन टेरिटरी बनी, तो यूनियन टेरिटरी जो है ये 1956, 1957 में जो है आपकी टेरिटोरियल काउंसिल बनी, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शंस जो थे 1960 में जो है, करम प्रकाश, इसका नाम क्या था? करम प्रकाश, आपका जो है ठाकुर करम प्रकाश, 1957 में जो है टेरिटोरियल काउंसिल के जो है इलेक्शंस हुए थे, और 1963 में इसको एबॉलिश कर दिया गया, और फिर से जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये याद रखना, इलेक्शंस वर 1957 में हुए, और फिर 1963 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यूनियन टेरिटरी तब ये थे, तो आपको 1963 याद रखना है। विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ ऊल? ऊल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बियास। आपको एक और चीज बता दूं, ऊल पे जो है सबसे पुराना प्रोजेक्ट शानन प्रोजेक्ट, जो कि जोगिंदर नगर पे बना है, कब बना था? 1929 में, कमीशन हुआ था 1932, और अब 100 साल बाद जो है ये हिमाचल के अंदर आएगा। एकमात्र प्रोजेक्ट जो कि पंजाब ने लिया है और कर्नल बट्टी ने बनाया था। तो आंसर इज क्या है? देखिए, एनएचपीसी चमेरा पार्वती, ठीक है, संजय विद्युत परियोजना नाथपा झाखड़ी भी है, और कल भी हमने एक की थी आपकी, कौन सी? संजय जल विद्युत परियोजना जो है, हम मैंने आपको नाथपा बताई, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको चिनाब के प्रोजेक्ट बताए थे, टांडी साच राशन, तो ये नहीं है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट जो है, ये किसने शुरू की थी? ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट जो है, जिसमें आपका भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट आता है, तो ये नहीं। आंसर इज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर ये आता है। गजगिरी प्रोजेक्ट भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। रूपा वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? रोपा वैली या रूपा वैली कहाँ पे है? आपकी सिरमौर, सिरमौर इज फेमस फॉर कियारदा दून वैली, कियारदा दून वैली इज फेमस फॉर सिरमौर। सोलन इज फॉर फेमस फॉर स्प्रून वैली, जहाँ पे सबसे ज्यादा टमाटोज होते हैं, जिसकी वजह से इसको रेड वैली भी बोला जाता है। और सोलन गोला इज द वेराइटी ऑफ टमाटो, सोलन और गोला इज टमाटर, तो इसको सोलन गोला भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो रोपा वैली है, दैट इज इन रोपा नदी एंड इट इज इन किन्नौर। भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भुंडा जो है, जिस तरह से कुंभ मनाया जाता है, वैसे ही 12 ईयर्स बाद मनाया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो फेस्टिवल है, इसमें राजपूत और शांड फेस्टिवल भी जो है आपका 12 ईयर्स बाद, लेकिन ये ब्राह्मण्स, ये समृद्धि का है, इसमें बेड़ा जाति के लोग ज़्यादा मनाते हैं, कोल जाति जो होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऊना, तो ऊना इज फेमस फॉर पिपलू देवता, पिपलू फेयर, बाबा बड़भाग फेयर, ठीक है, आप ये याद कर सकते हो, चिंतपूर्णी फेयर, तो ये नहीं है। मंडी भूतनाथ और शिवरात्रि बहुत फेमस है, महुनाग फेयर भी जो हमने किया था वो भी नहीं है। आपका लाहौल स्पीति नहीं। बुंडा फेस्टिवल जो है आपका निरमंड में मनाया जाता है, और निरमंड कहाँ पे है? आपका कुल्लू, जो कि किससे डेडिकेटेड है? परशुराम से। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गोची फेस्टिवल जो होता है, कि पर्टिकुलरली फॉर द बर्थ ऑफ सन, कि किसी के घर में लड़का होना, उसके बेसिस पे मनाया जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भागा, जिसको गार्जा वैली कहते हैं, उस पे मनाया जाता है। तो मंडी में नहीं है, कुल्लू में नहीं है, आंसर इज कांगड़ा में भी नहीं है, आंसर इज नन ऑफ द अबव। इसको कहाँ पे मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। कहाँ पे मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। कब? जब कोई बेटा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी खैरगढ़ी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था
कि रानी खैरगढ़ी जो है वो किससे है। देखिए रानी खैरगढ़ी जो है ये मंडी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। आपको पता है हरदेव सिंह जो जब आए थे तो गदर पार्टी का जो है इन्होंने बहुत प्रस्थान किया था, जिसमें मियां जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी जो थी उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। और इन्होंने क्या किया था, सुपरिटेंडेंट और पुलिस को हराने के लिए बॉम्ब बनाना था जिसमें लाला हिरदा राम भी जुड़े थे। ठीक है, तो ये जो थे मियाँ जवाहर सिंह, ये किसके टाइम पे मंडी कॉन्स्पिरेंसी हुई थी, जोगिंदर सेन मंडी के राजा, अंत लास्ट राजा। तो रानी खैरगढ़ी को जब ये फेल हो गया था, ये जो मंडी कॉन्स्पिरेंसी थी ये फेल हो गई थी, सिर्फ नागचला डकैती सक्सेसफुल हुई थी। तो रानी खैरगढ़ी को कहाँ से निष्कासित किया गया था, मंडी से। तो चंबा के देसराज पद्मश्री, कैलाश महाजन को पद्मश्री का अवार्ड मिला है, विजय शर्मा जो है पेंटर हैं उनको भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड जो है मिसेज ललिता वकील को मिला है फॉर चंबा रुमाल। ठीक है, कांगड़ा से जो है आपके जिसको सबसे ज्यादा याद करना है तो देहरा गोपीपुर के आपके बाबा कांशीराम। ठीक है, तो ये नहीं है। सिरमौर से मैंने आपको बताया था किंकरी देवी, उसको याद कर लीजिए। तो आंसर इज मंडी। गढ़ कुफर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, गढ़ कुफर लेक जो है वो कहाँ पे है, लाहौर ऊना में, स्वान नदी को याद कर लीजिए, दैट इज द सोरो ऑफ ऊना। ठीक है, लाहौल स्पीति में चंद्रताल एंड सूरज ताल लेक, किन्नौर में नाको लेक। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज शिमला। तन्नू जुब्बल लेक भी यही है, चंद्रनाहन लेक जो कि पब्बर नदी का सोर्स है तो वो भी कहाँ पे, शिमला में है। टुंडा वे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट, टुंडा वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, शिमला में। तो शिमला में आपका वाटर कैच मेंट एरिया, कुल्लू में जो है वाइल्ड लाइफ कैस, खोखन, तीर्थन, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्र किला, तो ये नहीं है, ऊना नहीं, आंसर इज चंबा। चंबा में है साचुनाला, साचुनाला भी है आपकी कुगती, ये भी है, और टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है, खजियार, ये भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि चंबा में है। फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिटेड शिमला, पहला गवर्नर जनरल जिसने शिमला पे विजिट किया था, लॉर्ड कर्जन, जिसने 1903 में कालका शिमला रेलवे लाइन का झंडा फहराया था। ये कहाँ पे रहते हैं, रिट्रीट, इन्होंने अपनी बेटी के नाम से नालदेहरा नाइन गोल्फ कोर्स बनाया। लॉर्ड डलहौजी नहीं, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी नहीं है, लॉर्ड मायो 1871 में आए थे। लॉर्ड डलहौजी की फेवरेट डेस्टिनेशन थी चीनी, जहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग किया। लॉर्ड एमरेस्ट जो कब आए थे, 1827 में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द स्लाइड, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी रीसेंट पेपर्स के थे, ये भी रीसेंट के हैं। द ओल्डेस्ट नेम ऑफ नालागढ़ इज सुकेत, मंडी का नाम है पुराना, मंडी की रियासत है, तो ये नहीं है, बीरसेन। नगर कोट कांगड़ा का है। ठीक है, और हमने बहुत बार कर लिया है कि सुशर्मा चंद्र इससे रिलेटेड है, जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था, राजा विरास को हराया था, विराट को हराया था और पांडवों के खिलाफ खड़े थे। नगर कोट जिसमें महमूद गजनवी ने लूटा, फिरोज शाह तुगलक ने लूटा, तैमूर लंग आए थे। कांगड़ा का पुराना नाम है, कांगड़ा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर इज संसार चंद। ठीक है, हिंडूर, हिंडूर को बनाने वाले थे अजय चंद, और ये जो था आपका विक्रम चंद। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह वॉज इन्वाइटेड बाय द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट टू फाइट द मुगल्स, गूगल सॉरी, गुरु गोविंद सिंह ने किस गुरु गोविंद सिंह वॉज इन्वाइटेड किसके द्वारा बुलाए गए थे कि वो मुगल्स के खिलाफ लड़ें। सुकेत रियासत के टाइम पे नहीं आए थे, मंडी के जो रियास मंडी के राजा सिद्ध सेन के टाइम पे गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे। हिंडोर नहीं, बुशहर नहीं, आंसर इज सिरमौर, मेदनी प्रकाश ने बुलाया था, और जिस मेदनी प्रकाश ने जगन्नाथ टेम्पल भी बनाया, तो पौंटा साहिब में ये रहे थे, तो पौंटा साहिब में इन्होंने मुगल्स के खिलाफ लड़ाई की थी। तो आपके किसके साथ, भीमचंद जो राजा था आपका बिलासपुर का,
वो और वो गुरु गोविंद सिंह ने मिलके मुगल्स को हराया था, और बैटल ऑफ भंगनानी याद रखना भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुई थी। एचपी बिकम द यूनियन टेरिटरी, अब आया है हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 1948 में 30 रियासतों को मिलाकर चीफ कमिश्नर प्रोविंस एनसी मेहता, 1956 में, 1954 में फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट बनी थी आपकी बिलासपुर, इसको कैंसिल कर दो, 1951 में ये पार्ट सी स्टेट बना जिसमें आपके हिम्मत सिंह वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि चीफ आयुक्त गवर्नर के टाइम पे हो गया तो ये नहीं है, आंसर इज 1956। और 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बना और जिसमें जो है इस बजरंग बहादुर वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यूनियन टेरिटरी ये कब तक रहा, 1971 तक। ठीक है, बसकुंजम पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा नहीं, चंबा नहीं, कुल्लू नहीं, आंसर इज लाहौल स्पीति, आंसर इज लाहौल स्पीति। चंबा से आप साच पास कर सकते हो, दुलुच्ची पास कर सकते हो, कांगड़ा का आप इंद्राहर, तामसर ये पासेस याद कर सकते हो, कुल्लू का सिराज कर सकते हो, ये सारे पासेस याद कर सकते हो, लाहौल स्पीति का कुंजम जो कि आपको लाहौल और स्पीति को अलग करता है। नाउ बसपा इज द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, नहीं अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं नदी के, लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज चुनाब, शॉर्टेस्ट नदी इन टर्म्स ऑफ, शॉर्टेस्ट नदी जो है यमुना, एथिकल रिलेशन विद सन, कालिंदी यमुनोत्री से निकलती है, सिरमौर में एंटर करती है खोदमर्जरी से और निकलती है ताजेवाला से, तो ये नहीं। बसपा जो है ये आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है जो कड़छम से में सतलुज से मिलती है, और ये मैं आपको बता दूं ये बसपा की पहाड़ियों से निकल के कड़छम में जाकर सतलुज से मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना। और कड़छम इज फेमस फॉर आपका शिप ब्रीडिंग फार्म, जो आपका जो शिमला है दैट इज फॉर ज्योड़ी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, आज का सेशन, अगर कोई गलती हुई है बोलने में तो जरूर माफ करना, हो सकता है कि गलती से कुछ गलत भूल गया हो या कुछ अगर हुआ है ऐसा तो प्लीज गलती से माफ कर देना प्लीज स्टूडेंट्स, जितना हो सकता है। अगर लग रहा है मजा आ रहा है चैनल पे या लग रहा है कि फायदा हो रहा है तो प्लीज जितना हो सकता है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं है कर लिया है तो बाकियों को रिकमेंड कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। आपका सपोर्ट मेरी इंस्पिरेशन, और इस इंस्पिरेशन को टूटने मत देना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट दैट। थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। जितना हो सकता है प्लीज शेयर करना, एंड 5 डेज क्रैश कोर्स और जितने भी सेशंस देख चल रहे हैं उन सबको देखिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, एंड स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।